स सर मोहम्मद अली मलिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद आज हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे पास्ट कॉन्टीन टेंस जिसे उर्दू में जमाना माजी जारी कहते हैं पास्ट कॉन्टीन टेंस की उर्दू में पहचान यह है कि जिस जुमले के आखिर में रहा था रही थी रहे थे वग़ैरह आ जाएं, तो ऐसे जुमले पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के कहलाते हैं जैसे मैं आम खा रहा था वो घर जा रहा था तुम ख़त लिख रहे थे हम फुटबॉल खेल रहे थे वगैरह वगैरह डियर व्यूअर्स पास्ट कॉन्टिनस टेंस के जुमले को अंग्रेज़ी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी फाइल लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वास या वर्म में से एक लिखेंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में यानी पहली फार्म के आखिर में आई का इजाफ़ा कर देंगे आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैं अब जुमलों के अंदर इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ जैसे मैं आम खा रहा था आई वाज ईटिंग मैंगो यानी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा यानी आई फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया यानी वाज उसके बाद वर्ब की पहली फार्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा किया और आखिर में हमने मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखा हम फुटबॉल खेल रहे थे वही वर प्लेंग फुटबॉल तुम कार चला रहे थे यू वर ड्राइविंग कार प्यारे स्टूडेंट्स याद रखने की बात ये है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाद इस्तेमाल करेंगे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करेंगे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करेंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा शी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे किसी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे जो स्टूडेंट्स कहता है कि मुझे ग्रामर समझ में नहीं आती मैं ग्रामर में बहुत कमज़ोर हूँ इन आपको यकीन दिलाता हूँ कि दिलचस्पी आप रखें समझाऊंगा मैं कोशिश आप करें तरीक़ाक बताऊंगा मैं उम्मीद है कि अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी ग्रामर सीख सकें वो भी आपके भाई हैं मैं उम्मीद करता हूँ ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को आप लिंक सेंड करेंगे शेयर करेंगे जिन्हें ग्रामर नहीं आती जो ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं करते मेरा चैनल फ्री ऑफ कास्ट है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे आमीन। दुआ में याद अल्लाह हाफिज।